डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने विभिन्न आवासों की यात्रा कर ली और उनमें रहने वाले पौधों व जंतुओं के बारे में भी जान लिया। Let us make a list of different objects and organisms. आइए विभिन्न वस्तुओं व जीव जंतुओं की सूची बनाएं। Now categorize these into living and non-living. इनका सजीव व निर्जीव में वर्गीकरण करें। चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, पत्थर, स्टोन, कॉइन, सिक्का, ये सब नॉन लिविंग हैं, निर्जीव हैं। मनुष्य, ह्यूमन, डॉग, कुत्ता, कैट, बिल्ली, मंकी, बंदर, ये सब जंतु लिविंग हैं, सजीव हैं। अच्छा, ये बताओ कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? हम कहते हैं प्लांट्स, पौधे सजीव हैं, लिविंग हैं, परंतु वे तो कुत्ते व शेर की तरह नहीं चल पाते। दूसरी ओर बस और कार तो चलते हैं, फिर भी हम उन्हें निर्जीव नॉन लिविंग कहते हैं। हम कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स ग्रोथ वृद्धि करते हैं, परंतु आकाश में बादल भी तो आकार में वृद्धि करते हैं, तो उसे सजीव यानी लिविंग क्यों नहीं कहते? Let us find some of these characteristics that are common to all living things. आइए उन लक्षणों के बारे में जानें जो सब सजीव वस्तुओं में एक समान हैं। और सबसे पहला है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड इट इज एसेंशियल टू एनिमल एंड अस। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए बहुत ही जरूरी है। प्लांट्स आल्सो मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जंतु भोजन के लिए पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो एंड लाइफ प्रोसेसेस। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि व अन्य जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। The second property is all organisms show growth। सभी जीवों में वृद्धि दिखती है। You have grown taller and fatter with time। आप समय के साथ लंबे और मोटे हो गए हो। Young ones of animals also grow into adults। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि करके वयस्क हो जाते हैं। इन द पिक्चर यू कैन सी अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। पहले वह छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि करके थोड़ा बड़ा, फिर एक नौजवान और अंततः वयस्क हो जाता है। सिमिलरली पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। इसी तरह कुत्ते के पिल्ले भी वयस्क हो जाते हैं। अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ हेन और कॉक। एक अंडे से निकलकर चूजा वृद्धि करते हुए मुर्गा या मुर्गी में बदल जाता है। चिल्ड्रन प्लांट्स आल्सो ग्रो। बच्चों पौधे भी वृद्धि करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अपने
चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन करें. सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल एंड यंग एंड सम आर बिगर. इनमें से कुछ बहुत ही छोटे और नवजात हैं तो कुछ बड़े और विकसित हैं. दे ऑल आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. ये सब वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हैं. लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड सम वीक्स. कुछ दिनों और कुछ सप्ताहों के बाद पौधों को अवश्य देखें. यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज. आप पाएंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हो गई है. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. इसका अर्थ है वृद्धि सभी सजीवों में होती है. तो बच्चों, आज हमने जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. जबकि निर्जीव वस्तुएं बिना भोजन के रहती हैं, जैसे मेज, पत्थर इत्यादि. सारी सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ. जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली या अन्य जीव जंतु, ये सभी वृद्धि दिखाते हैं. इसी तरह पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं. परंतु निर्जीव वस्तुएं अपने आप वृद्धि नहीं दर्शाती हैं. बच्चों, अगले वीडियो में हम सजीवों व निर्जीवों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए और गुणों के बारे में जानेंगे. जैसे क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, या सजीवों में उत्सर्जन कैसा होता है. इन गुणों के आधार पर हम अच्छी तरह से बता पाएंगे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है.